हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जिस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ये फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई का कमेंट आ रहा था पहले वाले हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे कि फेसबुक पेज ऐसे डिलीट कैसे करें। ठीक है, बहुत कोई जो है फेसबुक पेज बना लिया है पर उनको डिलीट नहीं कर पा रहा है। इसी के रिकॉर्डिंग हम यह वीडियो लेके आए हैं कि आप फेसबुक पेज बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इस बार क्या हुआ है ना कि यूट्यूब जो फेसबुक कंपनी है उसने एक नया अपडेट ला चुका है जिससे हम फेसबुक पेज है जो पहले जो फेसबुक ऐप का सेक्शन था उसी में जाकर हम फेसबुक पेज को डिलीट कर पाते थे, अब वो सेक्शन हटा दिया है। फेसबुक पेज में स्विच ऑफ का कोई ऑप्शन ऐड कर दिया है जिससे क्या है ना हम फेसबुक पेज को स्विच ऑफ करके मतलब अपना फेसबुक अकाउंट इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि डिलीट कहाँ करो, सेटिंग में कोई चीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे हमारे बहुत सारे भाई को दिक्कत हो रहा है फेसबुक पेज डिलीट करने में। इसी के रिकॉर्डिंग मैं एक नए अपडेट के साथ 2022 में लेके आया हूँ कि फेसबुक पेज आप कैसे डिलीट करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं अपने चलते हैं फोन के स्क्रीन पे और आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि फेसबुक पेज कैसे डिलीट करना है। और आगे का प्रोसेस आप देखने के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी को ऑल पे सेट कर लो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पे आओगे और पेज वाले ऑप्शन पे आओगे तो स्विच नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप पेज डिलीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमको कोई भी क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, इसमें आपको फेसबुक लॉगिन कर लेना है, वो ऊपर आप लिखना सर्च बार में www.facebook.com तो आप लॉगिन आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको अपने पेज को ओपन कर लेना है। जैसे सिंपली आप जैसे मोबाइल फ़ोन में पेज को ओपन करते हो ऐसे ही आपको पेज को ओपन करना है। फिर उसके बाद में आप इसको कट कर देना है और स्विच नाउ का ऑप्शन आप स्विच पर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि पेज सिंपली इसमें लॉगिन हो जाए। आपको आईडी लॉगिन करना है तब बाद में आपको पेज लॉगिन इसमें कर लेना है, तभी आप डिलीट कर पाओगे। तो मैं अपना पेज लॉगिन पहले कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरा पेज लॉगिन हो गया। आपको फिर जूम करके मैं दिखा देता हूँ, इसमें नोटिफिकेशन पहले मैं बंद कर देता हूँ, तो मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिया। फिर जूम करके आपको दिखाता हूँ साइड बार में जो आपका इन लिखा हुआ है, जैसे मेरा में जो आइकन बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है, प्राइवेसी सेटिंग पर क्लिक करना है, इस पर भी आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बाद फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके नीचे सबसे आपको डिलीट एंड परमानेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है सिंपली सा और आपको यहाँ पर परमानेंट पर सबमिट करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक आपके अकाउंट का आपको पासवर्ड डाल देना है, तो मैं डाल दिया। डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। वॉइस क्वालिटी के लिए सॉरी चाहता हूँ। अगर आपको इस तरह ही आप फेसबुक अकाउंट अब डिलीट कर पाओगे पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है यह वाला वीडियो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी को ऑल पर सेट कर सकते हो। अगर हम अपने इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़ जाओ जीजे सपोर्ट।